हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह के साथ। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। और आज का दिन बहुत खूबसूरत है, बादल आए हुए हैं सूरज के साथ। ये तो थोड़ा सा कमाल लग रहा था। देखते हैं सारा दिन टेम्परेचर कैसा रहता है। तो मैं उठ गई थी यहाँ सुबह 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा। और सूरज को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है सुबह का व्यू देखना। क्योंकि सुबह के व्यू में ना मतलब एक लगता है कि ज़िंदगी में कोई रोशनी आ गई है। तो आगाज़ करते हैं अपने ब्लॉग का। आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। और ये खूबसूरत जो है मॉर्निंग, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी एक नया दिन अता किया है उसको आज अच्छे से गुजारते हैं। तो आज की रूटीन कुछ इस तरह से है। मैंने काफ़ी दिनों के जो कपड़े रखे हुए थे आज मैं वो वॉश करने वाली हूँ। क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो डेली बेसिस पे हमें जो कपड़े हैं वो चेंज करने पड़ रहे हैं। क्योंकि पसीने की स्मेल आती है और वैसे भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो अपना ख्याल रखना है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी गर्मियों में इतनी उलझन होती है, मतलब रात को ही सुबह पहनो और रात को ही आप वॉश ना करो तो उलझन होना शुरू हो जाती है। तो अभी मैं कमरे में आ गई हूँ और अब आके मैं ना यहाँ जो है मशीन को ढूंढ रही हूँ कि मशीन कहाँ गई है। क्योंकि पहले मैं कपड़े जो है वो हाथों पे वॉश करती थी, लेकिन आजकल मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मशीन पहले ऑलरेडी फुल थी। ये जो सारे हैं ना ये सारे मेरे दुपट्टास हैं, दुपट्टे इसमें सारे कलर के दुपट्टे हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। आगे मैं यूज़ करूँगी इनको वीडियोस में। तो अभी मैं वन बाय वन करके ना ये सारे जो है वो निकाल रही हूँ और मशीन को कह रही हूँ कि चलो मेरे साथ चलो चलो। और वो कह रही है नहीं नहीं मैंने नहीं जाना अभी, मैंने नहीं जाना अभी। मैं इसके साथ कर रही हूँ कुछ ज़बरदस्ती, क्यों नहीं जाओगी तुम आज, मैं ले जा के रहूँगी। तो फाइनली इसने मेरी बात मानने से थोड़ा सा इनकार किया था, फिर चल गई क्योंकि इसका टायर ख़राब है, इस वजह से नहीं जा रही थी। तो अब मैंने थोड़ा धक्का धमाके करके फोर्स करके मशीन को बाहर ले जाने की कोशिश की और आखिरकार मैं इसमें सरोकार रही हूँ। ये तो अभी मशीन जो है वो मैंने एक हाथ मेरे पास फोन है, इस वजह से ना थोड़ा सा ले जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फाइनली मैं इसको ले गई हूँ। और होप सो आपने जो मुझे कमेंट्स में सजेशंस दिए थे, थैंक यू सो मच कि आप इस तरह वीडियो बनाएं, इस तरह वीडियो बनाएं। क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है एंड आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द कैमरा, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीख जाऊँगी। तो होप सो आज थोड़ी सी वीडियो जो है उसमें स्टेबिलिटी होगी, पहले वाली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उससे मुताबिक। तो यहाँ मैंने मशीन ले आई थी, तो अब यहाँ मशीन के अंदर पानी डालने का टाइम था। तो पानी डालने के लिए मैंने ये अभी बेसन के थ्रू जो है ना मैं पानी ले रही हूँ, क्योंकि वो जो दूसरा है उसमें से बार बार उतर जाता है और उतरने की वजह से फिर जो है ना फिर वक्त करना पड़ता है। तो मैंने अभी सोचा कि ना मैं इसको यहाँ से ही खड़ी रहती हूँ और खड़ी होके ही मैं यहाँ पानी जो है वो फिल कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं कुछ सोच रही थी कि मैं, मुझे ना थोड़ा सा करंट का फोबिया है। मुझे एक दफ़ा जो है करंट लगा था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा डर पड़ गया। तो अभी मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि मशीन के अंदर कितना सा पानी है। अभी पानी बहुत कम हुआ था, ऊपर से मोटर चल रही थी तो मैं मोटर बंद करवा रही हूँ। और अब जो है मैं इसमें अगेन से फिल कर रही हूँ पानी, ताकि जो है ना वो मशीन में पानी की जो एडजस्टमेंट है वो पूरी हो जाए। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मुझे थोड़ा सा ना करंट का फोबिया हुआ। कुछ यूँ था कि एक दफ़ा मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और प्रेसिंग के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा करंट लग गया था, और उसके बाद मेरे माइंड के अंदर ऐसा वो डर बैठा है कि मैं कोई भी चीज़ यूज़ करनी होती ना इलेक्ट्रिसिटी की तो मुझे बहुत डर लगता है। तो पहले मैं चीज़ों को बंद करती हूँ और फिर ऑन करती हूँ, फिर बंद करती हूँ, फिर ऑन करती हूँ। इवन कि मैं कपड़े भी ऐसे ही प्रेस करती हूँ, पहले गर्म करती हूँ इस्त्री को, आयरन को, फिर उसको प्रेस करती हूँ जब ठंडी हो जाती है, फिर अगेन से आयरन को हॉट करती हूँ। तो इसी तरह जो है ना मेरा चल रहा है। तो इसी तरह मशीन का भी यही है, मतलब बिजली के सारे काम ही मैं इस तरह डर डरा के कर रही होती। आई डोंट नो कि ऐसा नहीं होना चाहिए पर फिर भी हो रहा है। चले खैर कोई नहीं, अभी यहाँ मैं थक गई थी पानी भर भर के और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। फिर मैंने कहा नहीं सिवा उठो और अब हिम्मत करो और कपड़ों को वॉश करो, क्योंकि कपड़े भी थोड़े थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि मतलब काम ही नहीं होते हैं। तो पानी फिल हो गया था, मैं इसके अंदर अपना येलो ड्रेस ऐड डाल रही हूँ
ओहो, यहाँ मैं सर्फ डालना ही भूल गई, तो अब मैं पहले जाऊँगी सर्फ ढूंढूंगी। तो यहाँ टेबल के ऊपर सर्फ पड़ा हुआ था, तो मैं सर्फ लेके आई हूँ और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब ऐड कर दिया, अब इसके बाद जो काम, मेन काम जो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे डर लगता है, तो वो है मशीन का स्विच लगाना। तो खैर इतना वैसे मसला नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही है। तो मैंने ये यहाँ जो है वो लगा दी है, तो अब मशीन जो है वो अपना काम करना शुरू कर दी है। तो अभी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बल्कि मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपना जो है आज काम वाइंड अप कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो वो अभी इसके बाद मैंने ब्लैक अपने इसके अंदर ऐड किए हैं, येलो वाले धुल चुके हैं तो उसको मैंने निकाल लिया है। अब मैंने ये ब्लैक वाले लगा दिया, मशीन को चला दिया, मशीन के अंदर गोल गोल चक्कर आना शुरू हो गए हैं। तो इसके बाद जो है ना मैं इनको पानी के साथ वॉश करूँगी, ताकि ये जो है जितने भी इसमें डस्ट है वो मैल वगैरह है वो उतर जाए। तो यहाँ मेरी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि कपड़े धोना और फूड के खाना नाश्ते के बगैर धोना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता ही है। लेकिन पहले हम यही होता था, हम स्कूलिंग में भी नाश्ते के बगैर ही इतना करते होते थे तो आवाज़ निकल रही होती थी। लेकिन अब जो है ना, अब देखिए नाश्ता नहीं किया हो तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करी तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो मैंने फिर कहा नहीं, रिकॉर्डिंग तो ज़रूरी है। तो आपको मेरा ब्लॉग किस तरह का लगा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़े मज़े के जो है वो वीडियोस लाती रहूँ। और आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन से किस तरह के ब्लॉग की ऐड करूँ, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने मुझे बताना है। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं और यहाँ सारे कपड़े निकल गए हैं और अब मैं इसको वन बाय वन वॉश कर रही हूँ पानी लेके। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो मैंने कपड़े वहीं रखे और फिर मैं किचन में गई। तो मैंने सारा किचन को ढूंढा कि यहाँ कुछ खाने को पड़ा है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, इवन के लोभिया भी नज़र नहीं आया। तो फिर मैंने काफ़ी ढूंढा और ढूंढने के बाद मुझे लोभिया कुछ नज़र आया। तो जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, लोभिया जो है वो कुक हो जाएगा और कुक होने के बाद मैं इसको खा लूँगी। हो सकता है क्योंकि लोभिया हाई, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो फिर मैंने इसको बॉईल किया और जब तक ये बॉईल हो जाएगा तब तक मेरे सारे कपड़े भी धुल जाएंगे। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी मिर्च ऐड करूँगी और इसको चटपटा सा जो है वो खा लूँगी। तो अभी मैंने जो है लोभिया को ऊपर रख दिया है और अब मैं ये जो बाकी सारा काम है वो निपटा लेती हूँ जल्दी से। अच्छा, यहाँ मैंने जो है ना वो कपड़े वो मैंने वॉश कर लिए हैं। अभी मैं सबसे पहले तो ये जो तार है वो उतार दिए मैंने इसकी, क्योंकि सारे जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए थे और मैंने वो धो भी लिए हैं और मैं सूखने के लिए भी डालूंगी। तो अब मशीन के अंदर जो गंदा पानी है सबसे पहले उसको निकालना है, क्योंकि जब तक पानी नहीं निकलेगा वो मशीन नहीं सूखेगी तो ये मशीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसके अंदर जितने भी कपड़े हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये कपड़े, ये मैंने वॉश करके सुखा दिए थे। और ये देखो मेरे कपड़े के ऊपर चीड़ा आगे बैठ गया है। यार उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ये उड़ ही नहीं रहा था। फिर मुझे मजबूरन थोड़ा सा आगे जाना पड़ा और जब मैं आगे गई तो ये फिर उड़ गया था। अभी मैं पानी निकालूंगी ये जो मैंने वॉश किए हैं कपड़े उसका मशीन से, और उसके बाद मैंने मशीन को अच्छे से वॉश कर देना है ताकि जो है डस्ट है वो निकल जाए और जो कपड़े हैं मशीन है वो भी ख़राब ना हो। इसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूंगी ताकि ये जो मशीन है वो सारी ड्राई हो जाए, क्योंकि पानी की वजह से ना मशीन के अंदर जंग लग जाता है और जब जंग लगता है तो फिर मशीन काम नहीं करती है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।